नमस्कार, आपके साथ मैं रीना चाबालियान। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर को लेकर अपडेट आप लोग चाह रहे थे कि इस पर अपडेट अब क्या है, क्या ये बंद होने जा रहा है, क्या कुछ इन प्लेटफॉर्म की तरफ से कहा गया है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, ये जानना आप लोग चाह रहे थे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। इसीलिए ये वीडियो क्रिएट कर रही हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जो है इसी से रिलेटेड मुझे मिले हैं प्रीवियस वीडियो में। तो दरअसल अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर खतरा जो मंडरा रहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खतरे में ही नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेडलाइन जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि 26 तारीख जो है वो डेडलाइन थी, यानी कि 3 महीने पूरे कर लिए इस प्लेटफॉर्म ने और 26 तारीख को ये बंद होने वाला था। तो अब क्या हुआ और अब खतरा क्यों मंडरा रहा है और अभी भी क्यों ये प्लेटफॉर्म जो है वो खतरे में है, तो बहुत ही बारीकी के साथ अब मैं आपको समझा देती हूँ कि आखिर मैं ये क्यों कह रही हूँ कि अभी भी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिस पर बड़ी संख्या में यूजर्स जो है इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी उन पर खतरा क्यों मंडरा रहा है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियो में बताया था कि 26 तारीख डेडलाइन थी, यानी कि 3 महीने का समय दिया गया था नए नियम को लागू करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को, कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। अब जैसा कि 3 महीने का समय बीत चुका है, 26 तारीख को फेसबुक ने अपना बयान जारी किया है। फेसबुक ने कह दिया कि भाई हम जो हैं सरकार के साथ चलने को तैयार हैं और हम सरकार की बात मानने को तैयार हैं, लेकिन अब सरकार ने उल्टा सवाल इनसे पूछ दिया है। जी हाँ, सरकार का इस पर बयान सामने आया है, यानी कि कह सकते हैं आईटी मंत्रालय ने सवाल पूछा है इन तमाम प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से, कि आप आगे क्या कर रहे हैं, नियम जो है कब से आप लागू करने जा रहे हैं। देखिए, बचाव के तौर पर फेसबुक ने भले ही अफरा तफरी में ये बयान दे दिया हो कि हम जो है सरकार की बात को मानने के लिए तैयार हैं, नियम को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पहले ही इसका विरोध कर चुका है और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, और व्हाट्सएप जो है इस पूरे मामले को लेकर, नए नियम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। ये कह चुका है व्हाट्सएप कि जो नए नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, अगर इन नियमों का पालन किया जाता है, अगर हम नई गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे यूजर्स के साथ एक तरीके से हम छलावा करेंगे, क्योंकि यूजर्स किसे कहां मैसेज कर रहे हैं, किसके पास क्या भेजा जा रहा है, यानी कि जो भी गतिविधियां होती है, अगर हम इसका रिकॉर्ड पूरे तरीके से अपने पास रखते हैं, तो एक तरीके से निजता का हनन होगा, यानी कि पूरी तरीके से प्राइवेसी जो है यूजर्स की वो खत्म हो जाएगी और यूजर्स का व्हाट्सएप से या फिर सोशल मीडिया से विश्वास उठ जाएगा। इसी बात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है व्हाट्सएप ने। अब रही बात सरकार की, क्योंकि 26 तारीख लास्ट डेट थी, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस अपने वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो है वो बंद हो सकता है 26 तारीख को, लेकिन बहुत ही अफरा तफरी में जब फेसबुक को ये लगा कि आज डेडलाइन खत्म हो रही है, आज आखिरी तारीख है और कहीं केंद्र सरकार टिकटॉक की तरह फटाफट से फैसला ना ले ले बैन करने का, तो इसमें अफरा तफरी में फेसबुक ने ये बयान जारी कर दिया कि हमें किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं है, हम सरकार के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहते हैं, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है हम उसे फॉलो करेंगे। लेकिन अब आप ये समझिए कि क्या वाकई फेसबुक इसके लिए अग्री हुआ है, और अगर फेसबुक अग्री हो गया है तो क्या जरूरत पड़ी कि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अगर इन नियमों का पालन वाकई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना था तो 3 महीने में आखिर क्यों नहीं किया जब 3 महीने का समय दिया गया था। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब 3 महीने का समय फरवरी के महीने में दिया गया था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, उस समय इनकी तरफ से मांग की गई थी 6 महीने की। इन्होंने कहा था कि हमें 6 महीने का समय दीजिए, हम इसे स्टडी करेंगे, हम समझेंगे, उसके बाद हम इसे लागू करें या ना करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद आप अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार यानी कि आईटी मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया और 3 महीने का समय जो है वही रखा। अब ऐसे में 3 महीने का समय भी गुजर चुका है, फेसबुक ने अफरा तफरी में कह दिया कि हम आपके साथ, यानी कि आपने जो गाइडलाइन जारी की है हम उसे फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सरकार ने उल्टा ये पूछ दिया है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि अब आप ये तो बताइए कि आप नियम कब से लागू करने जा रहे हैं, आप हमें वो तारीख बताइए, आप हमें वो दिन बताइए जब आप नियम लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि समय जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि आज शाम तक
आज पूरे दिन भर सोच विचार करना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिनका मैं नाम ले रही हूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर को, और इस पर मंथन करने के बाद आईटी मंत्रालय को जवाब देना होगा और उसके बाद फिर क्लियर हो पाएगा कि क्या ये नियम लागू करने जा रहे हैं, यानी कि जो गाइडलाइन जारी की गई है जिसके लिए कहा गया है आईटी मंत्रालय की तरफ से आप इसे फॉलो कीजिए, क्या ये सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो अग्री करते हैं, क्या सबकी सहमति इसमें हो पाती है, और अगर नहीं होती है तो टिकटॉक की तरह ही इन तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इस पर एक्शन लिया जा सकता है, यानी कि भारत के अंदर इस पर बैन लगाया जा सकता है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि अभी भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है खतरा वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है, खतरा भी टला नहीं है क्योंकि अभी तो चर्चा चल रही है, क्योंकि कल तक ये देखा जा रहा था डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो सरकार क्या फैसला लेती है और ये मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो क्या फैसला लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, फेसबुक ने कह दिया है कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, अब सरकार ने पूछ दिया कि आप बात मानने को तो तैयार हैं लेकिन आप तारीख और दिन तो बताइए, आप कब से इसे लागू करने जा रहे हैं, और अगर लागू नहीं ये करते हैं तो बड़ा फैसला हो सकता है, और अगर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाता है तो एक बड़ा झटका इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लगेगा, क्योंकि भारत में बड़ा बिजनेस इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तैयार किया है, चाहे बात ट्विटर की कर ले, फेसबुक की कर ले या फिर इंस्टाग्राम की कर ले, लोग पर्सनली इससे जुड़े हुए हैं, बिजनेस इस पर कर रहे हैं, लाखों हजारों लोग कमा रहे हैं इसके जरिए, और अगर ये बड़ा फैसला होता है टिकटॉक की तरह ही, क्योंकि टिकटॉक पर भी जब बैन लगा था तब लोगों का काफी आक्रोश, लोगों में नाराजगी जो है वो पनपी थी और काफी ज्यादा लोग उदास भी हुए थे, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं उन्होंने रोजगार का जरिया इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाया है और ढूंढा है, और ऐसे में अगर इस पर फुल स्टॉप लग जाता है तो ये सोचिए कितना बड़ा झटका जो है इन यूजर्स को लग सकता है जो इतने लंबे समय से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि आखिर मैम इसके ऊपर अपडेट क्या है, तो ये अपडेट मैंने आपको दे दिया है, इस पर क्या कुछ इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से बयान दिया जाता है गवर्नमेंट को, आईटी मंत्रालय को, जो सवाल पूछा गया है आईटी मंत्रालय की तरफ से, और उसके बाद डिसीजन क्या लिया जाता है, जो भी अपडेट होगा आगे मैं जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पर्सनली अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए भी जुड़ती हूँ, और बार बार मैं यही कहती हूँ कि न्यूज चैनल के व्यूवर्स मेरे अलग हैं लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं बहुत मायने रखते हैं आप लोग, तो इसीलिए जुड़े रहिए। और क्या कुछ आपको इस पूरे मामले पर कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के सवाल यहाँ पर होते हैं तो बहुत आसान होता है मुझे उन सवालों को लेकर आगे आप लोगों को जवाब देना और वीडियो क्रिएट करना। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कुछ भी अपडेट इसके ऊपर होगा तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। नमस्कार।